दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैनल है कुशेश्वर स्थान में नंबर वन पे आता है यूट्यूब पे न्यूज नेटवर्क में। अभी हम लोग इस वक्त जो है केट गामा में जो पुल है, कल एक वीडियो व्हाट्सएप पे आई हुई थी जो VCC बी कुमार सर का नाम से जो बनाया गया था, एक वीडियो यहाँ पे बनाया गया था कल का दिन। और मुझे कुछ सब्सक्राइबर जो थे रिक्वेस्ट भी किए थे और वीडियो भी भेजे थे कि पुल का बारे में कुछ बताइए, जाके आप बनाइए। तो इसलिए हम लोग आज आए हुए हैं और आपको बताते हैं कि ये बिहार में, बिहार के कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में आता है। अब ये पुल जो है 20 साल पहले बना था, करीबन 20 साल पहले बना था ये पुल। तो बना ये है बिहार का विकास, जो विकास आप देख रहे यही है बिहार में विकास। नीतीश कुमार जी आए हुए थे कुछ दिन पहले, बताए थे कि हम इस एरिया में खास करके ज़्यादा करके फोकस करेंगे और जो भी है विकास जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ करेंगे। अब देखिए, ये पुल जो है, पुल तो बनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है। यातायात चल रहा है, पैदल आदमी जा सकते आ सकते हैं, बाइक लेके आ सकते और जा सकते हैं। पर तीन चक्का हो या फोर व्हीलर हो, कोई भी यहाँ पे ना जा सकते हैं ना आ सकते, कोई भी ये पुल का सुविधा फोर व्हीलर पे ले नहीं सकते हैं। रही बात विकास की, तो मैं बता दूं कि ये बिहार का 8वां अजूबा पुल है। देख रहे हैं आप, ये बिहार का 8वां अजूबा पुल है। अब मैं बताता हूं कि अगर ये पुल पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है, टूट जाता है, तो करीबन यहाँ पे 10 लाख लोग प्रभावित होते हैं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए सुग्राइन से राम विनोद साहू ने कुछ रुपए मदद किए हैं। अगर आप ये हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे नंबर वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपने इच्छानुसार डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। एक ऑप्शन और है कि बाजार जाने के लिए एक रूट और है, पर बारिश होती है तो इसी होके आना पड़ेगा और इसी होके जाना पड़ेगा। अब बाढ़ का समय में भी यही पुल को यूज किया जाता है, यही पुल को यूज करने में लोग लेते हैं। आप देख रहे विकास जो है, वो विकास आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकास हुआ है। प्रशासन कितना ध्यान दे, यहाँ का जो बड़े अधिकारी हैं, जिन्हें हम बड़े अधिकारी बोलते हैं, वो एक दिन भी इनको देखने के लिए आते नहीं है, संरक्षण नहीं करने आते हैं कि पुल टूट रहा है या बच रहा है। इन ग्रामीणों को कितना परेशानी होती है, ये अगर पुल टूट जा रही है पूरी तरह, इसे मान के चलिए तो टूट ही गई है, रहा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब चार चक्का इन लोगों के यहाँ से उस पार गुजर ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये पुल रह के कोई मतलब ही नहीं बनता। बस मतलब इतना है कि भाई टू व्हीलर लेके आ सकते हो, जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, चार चक्का लेके आप यहाँ पे जा नहीं सकते हो क्योंकि रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है। रेस्ट्रिक्शन बोलने से यहाँ पे बांस का झजरा जो है बांध दिया गया। अब क्यों बांधा वो भी मैं बता देता हूँ। ये पुल जो है कुछ दिन पहले पूरी तरह टूटने वाली थी, जो ग्रामीणों के सहायता से पुल को दोबारा खड़ा किया गया है, अपने स्तर से किए हैं, कुछ प्रशासन भी हेल्प किए हैं। प्रशासन जब आए होंगे तो बताए होंगे कि हम ये पुल को फोकस करके उसको बढ़िया तरीका से बनाएंगे, पर देखिए ये पुल जो है बना नहीं। दोबारा आप देख रहे हैं कि जिनका निजी ज़मीन है उनका निजी ज़मीन पे ईंटा गिरा के पुल को जैसे तैसे ग्रामीणों के मदद से बनाया गया है। यहाँ आसपास में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे और क्रेडिट जो है, ये वीडियो का क्रेडिट हम देते हैं बी कुमार सर को, जो यहाँ पे आके यहाँ का बात उठाए हुए थे, जिनको आप जानते भी होंगे, अगर यहाँ का निवासी है तो उन्हें जानते होंगे। उनसे अभी हम बात किए थे, वो दूसरा कारण से कहीं चले गए हैं, तो दोबारा फिर हम आएंगे, वो आएंगे तो यहाँ ये पुल के ऊपर और विस्तार से हम बात करेंगे। तो अभी जो है उन्हीं से हम बात किए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लिए हैं कि क्या समस्या है यहाँ पे। टोटल अगर ये पुल वैसे भी मान के चलिए ख़त्म हो गया, 10 लाख लोग यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा कोई भी चार चक्का लेके जा नहीं सकते हैं बाजार जाके। फिर देखिए, दो मिनट का दूरी भी नहीं होगा, एक मिनट का दूरी होगा, पर चार चक्का उसको इस रास्ता होके नहीं जा सकते, कुशेश्वर होके जाएंगे या अदरवाइज दूसरा कोई रूट लेना पड़ेगा, ये रूट से वो जा नहीं सकते। रही बात प्रशासन की अधिकारी का, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा कुछ भी यहाँ पे काम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बस थोड़ा बहुत राहत दे दिया गया, ईंटा गिरा दिया गया। ये देखिए कुछ दिन पहले जो था ये सही था, हम एक बार यहाँ से गुजरे हुए हैं, जब कोनिया में नाव दुर्घटना हुआ था तो यही रास्ता हम लोग भी अपनाए थे, वहाँ पर भी जाकर कवर किए होंगे, वो किए थे, वो वीडियो आप देखे भी होंगे, यही पुल होके हम लोग गए थे उस टाइम, थोड़ा बहुत सही था। अभी देख रहे ना कि क्या अवस्था हो गया, पूरा मरे जा रहा है पुल, इसको जीवित करने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है।
ग्रामीण है, हम उनसे बात करेंगे। चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हबीब। अच्छा, कितना दिन पहले पुल का ये अवस्था हो गया है? ये 2 महीना हो गया है। अच्छा, प्रशासन को आप लोग कुछ अपील किए थे? सब समाज अपील किए हैं लेकिन सुनवाई नहीं दिया। अच्छा, यहाँ का मुखिया जी तो लोकल ही होंगे? मुखिया जी हाँ, नहीं है, 90 नंबर का मुखिया जी था। अच्छा, लेकिन आया है? अभी नहीं है, अभी वो जीत गया है। अच्छा, दूसरा। अच्छा, लेकिन ये प्रशासन भी आया तो सही से देखा नहीं। अच्छा, क्या बोले थे प्रशासन आए तो? प्रशासन बोला कि ये बेचारी का क्या नाम है, मीरा देवी को बोला एक भी नहीं लगता लगाएंगे। अच्छा, जमीन कटा कटने दो लेकिन रोड ऐसे रहेगा। विधायक जी भी आया तो बेचारा गुजर गई, लेकिन काम करना इन बार है। हम भी प्रखंड अध्यक्ष बोलते हैं बीजेपी का जी, लेकिन ये काम गड़बड़ करके गया विधायक जी भी। एक चीज आप बढ़िया चीज बताएं, मैं जानकारी में नहीं था कि आप प्रखंड अध्यक्ष है। आप प्रखंड अध्यक्ष है, सरकार तो आप ही का है जी, तो काम यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है? नहीं हुआ, विधायक गुजर गई उस टाइम में। अभी भी विधायक तो आप ही का है ना? हाँ है, लेकिन फिर भी उसको कहा गया है अगर आएगा तो कराएगा वो अपना स्तर से। तो जब अभी परेशानी हो रही है, अब एक चीज बताइएगा, 4-व्हीलर यहाँ से कैसे, अगर उस पार जाना हो तो कैसे जाए? नहीं जाएगा, कंठ में फंसा हुआ है। कितना दूरी होके जाना पड़ेगा उसे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जी। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ कुशेश्वर 3 किलोमीटर ना है, 6 किलोमीटर हाफ डाउन हुआ। अब एक चीज मैं बता दूं कि 2 मिनट अगर उस पार जाना हुआ तो कितना होगा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ही पकड़ते हैं, छोड़िए 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ही पकड़ते हैं। आप देखिए 1 मिनट का यहाँ से वहाँ रास्ता है, थोड़ा कैमरा उधर घुमा दीजिएगा। 1 मिनट का रास्ता में यहाँ पे यहाँ को जो निवासी है उन लोगों का 4 चक्का लेके जाना पड़ा, तो 6 किलोमीटर उसको घूमना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा, तो जाके उस पार आप जा सकते हैं जी। तो आप एक चीज बताइएगा प्रखंड अध्यक्ष जी कि आपका ही सरकार है, फिर बनता क्यों नहीं, इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है? और निजी जमीन कोई आदमी निगरानी, थोड़ा इधर आइए ना, आप भी बात कीजिए, जब दिक्कत है तो बोलिए। हाँ बोलिए। इस जगह का कोई भी आदमी आज तक निगरानी दिया ही नहीं। क्यों? विधायक का कमी होगा या एमपी का कमी होगा या एमएलए का कमी होगा? इलेक्शन टाइम में जब विधायक तो आए होंगे। हाँ, बोला थोड़ा बहुत ये गिरवा दिया ईंट, उसके बाद बस अपना अपना घर बैठ गया, कुछ नहीं किया। अभी आप लोग दोबारा अपील किए थे? दोबारा आप अपील किए, उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद बोला कि जब काम होगा। अभी तो आप आए हैं, आपके सामने जो भी है से सामने में है, कोई गाड़ी न उधर जाता है न इधर जाता है, आदमी के चारों तरफ ये 12 पंचायत को सारे गाड़ी इधर से लोड होकर के कुशेश्वर स्थान जाता था आता था। चाहे तो बोले 10 लाख, सारे परेशान है इसके लिए इस पुल से। देखिए हमारा जो चैनल है कुशेश्वर स्थान पे नंबर 1 पे आता है, इसलिए कुशेश्वर स्थान के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। रही बात विधायक का, ये लोग बोल रहे हैं कि ये कोई काम नहीं कर रहे, तो विधायक जी है तो नया नया जगह तो काम कर रहे। पर मैं विधायक जी से अपील करना चाहता हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इसे दूर किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि मेरा वीडियो जो है विधायक जी के पास भी जाता है। तो उनसे हम अनुरोध करते हैं कि यहाँ का जो करीबन 10 लाख, थोड़ा साइड दे दीजिए, 10 लाख निवासी है उनको देखिए, यहाँ पे इन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहा है। अभी तो चलिए बारिश नहीं, बारिश हो जाएगी तो काफ़ी दिक्कत और बढ़ेगी, क्योंकि पानी है। पास एक चीज़ बताइएगा प्रखंड अध्यक्ष जी, ये पुल पे से इससे पहले कभी कोई डूबा था क्या? जी नहीं, डूबा हुआ नहीं। वो एक डूबला है ना। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि बिहार में अगर बाढ़ में कोई डूबता है तो उन्हें 4 से 5-6 लाख तक दिया जाता है, पर यहाँ पे कितना खर्चा होगा? मुश्किल से मुश्किल 1.5-2 लाख खर्चा होगी, वो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ना, ये बिहार का विकास है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए जाते हैं कि हम ग्राम को स्मार्ट पंचायत, स्मार्ट गांव बनाएंगे। तो स्मार्ट गांव यही है कि टूटा हुआ पुल पे आप जाइए और अपना छाती पे हाथ रखिए और दुर्घटना का सामना कीजिए, यही है बिहार का विकास। तो हम
जो भी विधायक है, प्रशासन है, उच्च अधिकारी में जो बैठते हैं पदाधिकारी हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि इस पे काफ़ी ध्यान दीजिए क्योंकि ये जो पुल है वो झरझर अवस्था में चल रहा है। और मैं क्रेडिट भी देना चाहता हूँ बी कुमार सर को, जो यहाँ पे कल वो वीडियो बनाए थे, कल ही शायद बनाए होंगे, और मुझे मिला था, जो आदमी मुझे रिक्वेस्ट किए थे उनके अनुसार हम लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का, मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, जो पब्लिक ओपिनियन था वो भी दिया हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आठवां अजूबा आपको यहीं देखने को सिर्फ बिहार में। ये जो इलाका है कुशेश्वर स्थान प्रखंड है, ये बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, रूरल एरिया है, जहाँ पे उतना विकास देखने को नहीं मिला। अभी कहीं कहीं कुछ जगह शिलान्यास किया जा रहा है, विकास का नाम पे काम हो रहा है, पर यहाँ भी बहुत ज़रूरी है विकास, क्योंकि विकास नहीं होगा तो करीबन 10 लाख लोग का आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और 10 लाख लोगों को कठिनाई हो जा रही है, क्योंकि उन लोगों का चार चक्का जो गाड़ी होगा या शादी ब्याह हो रहा है यहाँ पे, तो बाराती अगर आना जाना करते हैं या कोई गेस्ट आना जाना करेंगे तो उन लोगों को करीबन इनके द्वारा बताया गया है कि 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। जो 1 मिनट का रास्ता है वो 6 किलोमीटर उसको टर्न लेना पड़ेगा, बोलने से लगता है कि हाईवे हो गया है। जैसे हाईवे में आपको जाना पड़ेगा टर्न लेके, वैसे ही इस तरह हो गया है। 1 मिनट की दूरी आप 6 किलोमीटर में जाके तय कर सकते हैं। देखिए, ये नदी के कारण यहाँ पे मिट्टी कटाव हो गया है। मिट्टी कटाव होने जो निजी ज़मीन है उनका ज़मीन करीबन 1 कट्ठा के आसपास है, जो पानी में दब चुका है, और मिट्टी घर भी इनको अच्छा वो बताइए क्या हुआ था। मेरा मीरा देवी नाम है। अच्छा। मेरा घर ही पुल के वजह से 1 कट्ठा में मेरा घर, 4 मुका घर, इन्वेस्टर पोल सब गिर गया, सब चीज क्षति हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला। कब गिरा था 6 महीना पहले गिरा सब इनमें कि सब प्रशासन आए और मेरा पास में 4 बार अखबार में भी छप कर चल आया, अभी बार कुछ नहीं मिला, कुछ एक पन्नी भी नहीं मिला। इसमें क्या दिक्कत है आप लोग भी बताइए। देखिए, इनका कहना है कि 2-3 बार न्यूज़पेपर में भी डाला गया था न्यूज़ पर, प्रशासन के द्वारा इनको कुछ भी मदद नहीं मिला। जो घर है वो घर पानी में चला गया और इनको कुछ भी अभी तक मदद नहीं मिला है। मदद तो छोड़िए, पुल को दोबारा निगरानी भी नहीं किया गया है। भाई उसको भी 3 कट्ठा कट गया, टूटा है, यहाँ आकर बात कर देखते हैं, घर और सब कट्ठा हो गया, जगह नहीं है। आइए इधर, बात कीजिए। हाँ बोलिए, इधर नहीं, थोड़ा इधर रहिए ना। बहुत बड़ा दिक्कत है सर। 6 महीना पहले, इससे पहले विधायक जी आया था, सारा चीज आया था, सुरेश दास के घर गया, इधर गणेश यादव का, दोनों का घर गिर गया, बोला विधायक जी भी था, उससे 12 आदमी था, दो जिला का आदमी था, पता नहीं कौन था, बोला मैं सारा को अथी दे दूंगा, अभी तक नहीं पन्नी मिला नहीं कुछ मिला। अब पुल की स्थिति देख लो, इधर पूरा यहाँ वहाँ भराट था, दोनों की जमीन इधर भी कट गया, इधर भी सारा कट गया, अभी तक कुछ नहीं मिला है। घर सहित कटा हुआ है। हम विधायक जी से इससे पहले भी जो समस्या रहा उन तक पहुँचाए हैं, और ये भी हमारा काम था पहुँचा दिए। विधायक जी से हम अपील कर रहे हैं कि जिन को यहाँ पे क्षति हुआ है बाढ़ के समय में, उनको पूर्ति कीजिए, उनको कुछ सहायता कीजिए, और ख़ास करके पुल पे निगरानी करवाइए और इस पे काम करवाइए कि पुल जो है जो समय चल रही है वही समय, इसके बाद ये पुल अब चलने वाली नहीं है, इसलिए जो जर्जर अवस्था में ये पुल है इस पुल पे काम करवाइए। बस आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि हम दिखा रहे हैं ये बिहार का 8वां अजूबा यही है, थोड़ा दिखाइए बढ़िया से, ये है 8वां अजूबा, देख रहे ना कितना विकास हुआ है, कितना सारा विकास यहीं पे होता है, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कुशेश्वर स्थान से। जो विधायक जी है उनसे मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए।